खंडवा लोकसभा उपचुनाव के पंधाना में चुनावी सभा के दौरान कमलनाथ ने एक बार फिर आम मतदाताओं से सच्चाई का साथ देने की बात कही और देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार को संदेश देने की अपील की। कमलनाथ ने मोदी और शिवराज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक डायरेक्टर है और दूसरा एक्टर, 17 साल से झूठ बोलकर और धोखा देकर सरकार चलाई। हमने जब सत्ता संभाली थी तब मध्य प्रदेश महिला अत्याचार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में नंबर 1 था। हमने विकास के रास्ते पर लाने की कोशिश की, कर्जा माफ करके किसानों को मजबूत बनाने की दिशा में काम किया। कमलनाथ ने 21 लाख किसानों के कर्ज माफ करने की बात कही और बचे हुए 27 लाख किसानों का कर्ज माफ नहीं होने का आरोप शिवराज सरकार पर लगाया। कमलनाथ ने एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दी है कि वह 17 साल का हिसाब दे, मैं अपने 15 महीने का हिसाब देने को तैयार हूं। कमलनाथ ने कहा कि अब तो प्रदेश थक चुका है आपकी घोषणाओं से। उन्होंने शिवराज पर तंज कसते हुए कहा कि आप इतने बड़े कलाकार हैं कि जहां नदी नहीं हो वहां पर भी पुल बना देते हैं। कमलनाथ की सभा में लोकसभा प्रत्याशी राज नारायण सिंह, पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह, बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा, पूर्व मुकेश नायक, राजकुमार पटेल, स्थानीय और प्रदेश संगठन के बड़े पदाधिकारी भी मौजूद थे। और शिवराज सिंह के बारे में मैं क्या कहूं, मुझे तो ताज्जुब है कि 22,000 घोषणाएं कर ली 15 साल में, 22,000, और अब फिर से आएंगे, घोषणाएं करेंगे, आश्वासन देंगे। अरे भाई माफी तो मांग लो कि धोखा दिया, माफी मांग लेना धोखा दिया। एक तो है एक्टर, कौन, शिवराज जी, और दूसरे हैं डायरेक्टर। तो ये एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी आप पहचान लीजिए, बड़ी अच्छी डायरेक्शन कर सकते हैं। 2019 के चुनाव में मोदी जी ने, 19 के चुनाव में, ये तो 2014 में कहा था 15 लाख, 2019 के चुनाव में नौजवानों की बात नहीं करी, किसानों की बात नहीं करी, 15 लाख की बात करी नहीं करी, राष्ट्रवाद की बात करी, पाकिस्तान की बात करी। ध्यान मोड़ने की राजनीति इनकी पहचान लीजिए। और राष्ट्रवाद का पाठ ये कांग्रेस को पढ़ा रहे हैं। मैं तो पूछता हूं मोदी जी से, आप एक नाम बता दीजिए जनता को जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी भारतीय जनता पार्टी में हुआ, कोई स्वतंत्र संग्राम सेनानी नहीं, और पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का, कुछ भी बोलवा लो उन्हें, जहां नदी नाई भी हो बोलो पुल बना दूंगा मैं, बोले पुल बना दूंगा मैं। ये शिवराज सिंह जी को पहचान लीजिए। अब तो समय आ गया, 2 तारीख को जब गिनती होगी तो शिवराज जी कुर्सी बचा लीजिएगा। अब तो प्रदेश थक गया है, प्रदेश थक गया आपकी घोषणाओं से, आपकी कलाकारी से। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खंडवा से शेख रेहान की रिपोर्ट।